हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी एंड पॉलिसी आई है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कि आपको उसे अग्री करना है या नहीं करना है। तो छोटी सी वीडियो लास्ट तक देख लेना। आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पर कुछ इस तरीके का पॉपअप आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने अग्री कर दिया है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो WhatsApp है उसने नई प्राइवेसी एंड पॉलिसी को अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। तो उसमें उसने बताया कि अगर आप 8 फरवरी तक इसे अगर आप जो है एक्सेप्ट करते हैं, अग्री करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो बच जाएगा वरना वो उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब जो WhatsApp है वो अब जो है Facebook का एक पार्ट है, यानी कि जो Facebook ने उसे खरीद लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो WhatsApp की जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी आई है तो इसमें जो आपका हार्डवेयर डेटा है वो उसे अब कलेक्ट करेगा। पहले ये नहीं करता था, यानी कि WhatsApp आपका जो डेटा था उसे कलेक्ट नहीं करता था, लेकिन अब जो प्राइवेसी पॉलिसी में वो साफ बोल रहा है कि भैया हम तो आपका जो हार्डवेयर डेटा है उसे कलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या आता है हार्डवेयर डेटा में, आपकी जो है बैटरी लेवल या फिर आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, एप्लीकेशन वर्जन होते हैं, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हो गया या फिर मोबाइल ऑपरेटर जिसका आपका सिम है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है अब वो कलेक्ट करने वाला है। इसके साथ ही आपकी लैंग्वेज एंड टाइम हो गया और आपका आईपी एड्रेस और आपकी जो आइडेंटिटी है, इसके साथ ही आपका जो ये हार्डवेयर डेटा है उसे वो कलेक्ट तो करेगा ही, साथ में जो इसका बाप है यानी कि फेसबुक उसके साथ भी ये शेयर करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसे अग्री नहीं करना है। अगर आप चाहें तो जो है WhatsApp के जो अल्टरनेटिव है उसे आप यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी चैटिंग है उसके लिए जो है WhatsApp ने अपना जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था उसमें कहा है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहेगा, यानी कि इसमें जो है तीसरा आदमी उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम पहले कैसे जो WhatsApp चैट लीक हो रही थी, तो इस पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर जो है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कोई तीसरा बंदा इसमें आपको नहीं, आपकी जो चैट वगैरह होती है उसे नहीं पढ़ सकता है, तो इसी का यही मतलब है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें कि आपका जो डेटा है, आपकी जो प्राइवेसी है वो सेफ रहे, तो आपको सबसे पहले तो इसे अग्री नहीं करना है। अगर ये अकाउंट डिलीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये जो प्राइवेसी है वो चेंज हो जाए, तो आपको इसे सबसे पहले तो आपको इसे अग्री नहीं करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है वो आप भूल जाइए, क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है तो प्राइवेसी नहीं रहती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया होती हैं उसमें आपकी बहुत सारी जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी जो है आइडेंटिटी होती है या फिर आपकी लोकेशन वगैरह जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप अपनी प्राइवेसी इस तरीके से तो ज़्यादा सेफ नहीं समझ सकते अगर आप जो सोशल मीडिया पे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर जो अभी मैंने बताया है कि आपकी जो WhatsApp की न्यू प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, हो सके तो अभी इसमें जो है अग्री नॉट के लिए भी एक जो है ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो उस पर क्लिक कीजिए। हो सकता है कि बाद में इसकी जो प्राइवेसी है चेंज हो जाए, तो अभी आपको इसे अग्री नहीं करना है। अगर ये आपका अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव एप्लीकेशन है जो कि WhatsApp की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों ये है WhatsApp की न्यू प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बता दिया है इसे आपको अभी अग्री नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी ही बनी रहे तो आपको इसे अग्री नहीं करना है। हो सकता है कि बाद में ये जो है जो इनकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी है इन्हें ये हटा दें, तो हो सकता है कि अभी के लिए आप इसे जो अग्री ना करें। इसके साथ ही अगर आप जो कोई सजेशन मेरे साथ जो है शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक और यूजर नेम आपको दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।